ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल के दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल में इस बात का खतरा बना हुआ है कि तीसरी वेव कोरोना की ना आ जाए कहीं। आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल विधानसभा में बताया कि कोरोना के केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। तो इसी बीच जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने भी एक डाटा जारी करके बताया है कि पिछले हफ्ते 1.9% पॉजिटिविटी रेट रहा, मतलब जितने टोटल सैंपल लिए उसमें से 1.9% जो है लोग पॉजिटिव आए। इस समय हिमाचल में 2086 केस एक्टिव हैं। तो ये चिंता का विषय है, तो एहतियात बरतनी चाहिए। तो इसको लेके मैं बता दूं कि इस समय पिछले हफ्ते जो हैं कुल 2 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक 88,887 जो हैं सैंपल्स लिए गए थे, जिनमें से 1726 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। तो ये 1.9% पॉजिटिविटी रेट है। असल में मुख्यमंत्री ने आज कोरोना को लेकर डिस्कशन में जो कांग्रेस के विधायक हैं जगत सिंह नेगी, उनकी जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए कि उन्होंने टीका बड़ी लेट लगवाया, वैक्सीनेशन बड़ी लेट लगवाई, पहले दूसरों को लगने दी, उनको चाहिए था कि दूसरे देशों के प्रतिनिधियों की तरह उन्हें पहले इंजेक्शन लगवाना चाहिए था, कोविड का वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए थी। तो इस पर मुख्यमंत्री ने इंटरव्यू किया और बताया कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो यह है जी कोरोना को लेकर ताज़ा अपडेट हिमाचल से। इसके अलावा विधानसभा में आज कई और बातें भी हुई। क्वेश्चन आवर के दौरान कुसुमपट्टी के MLA अनिरुद्ध सिंह ने पूछा था कि शिमला ग्रामीण में कुल कितने गांव हैं जहां हाई लो वोल्टेज है। तो उसके जवाब में पावर मिनिस्टर सुखराम ने बताया कि 225 गांव हैं ऐसे जहां लो वोल्टेज है। ये जो है पुराने पिछले 2 साल में सर्वे हुआ था उसमें सामने आया था। इसमें से 174 गांवों में नए ट्रांसफर लग गए हैं, बाकियों में लगने हैं। तो ये था जी। इस तरह कुछ और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, एक SMEC को लेकर था जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के टीचर्स हैं कोई 2200 से ज़्यादा, क्या उनको पक्का किया जाएगा, ऐसी कोई सरकार सोच रही है। इसके जवाब में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल जो फैसला आया था उसका अध्ययन किया जा रहा है और उसके मुताबिक आगे फैसला किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। तो ठीक है जी, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अंतराल के बाद। और जो कोविड को लेकर कोरोना को लेकर डिस्कशन अभी आज विधानसभा में चल रही थी उसका जवाब जो है स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल कल देंगे। लंबी इस पर चर्चा हुई, बहुत से विधायकों ने, दोनों सत्ता और विरोधी पक्ष के विधायकों ने भाग लिया और CPM के राकेश सिंघा ने भी अपने विचार व्यक्त किए, सुखविंदर सुक्खू ने भी और कईयों ने भी, सभी ने तीसरी वेव का अंदेशा जताते हुए इसकी पहले से तैयारी करने का बात कही। तो ठीक है जी, मिलते हैं फिर अंतराल के बाद। माल रोड शिमला से आपको गुड नाइट।